शौर्य शौर्य जल्दी। शौर्य 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 उठो। दिव्या दिव्या ये क्या है? तुम वैद्य के घर में क्या कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रही है स्टूपिड? मुझे लगा मैंने उसे ड्रॉप किया, पर एक्चुअली उसने मुझे ड्रॉप किया। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग इज फाइन। गुड नाइट बेबी। ओ गॉड शौर्य। क्या यार, मम्मी पापा आए हैं। मम्मी पापा क्यों आएंगे? मेरे मम्मी पापा आए हैं शौर्य। ओह अभी तक स्विच ऑफ है। वॉचमैन ने तो कहा कि वो दोनों घर पर हैं। पता नहीं। डार्लिंग स्टोरिंग शौर्य से स्टोर रूम में ले जाओ। सॉरी सॉरी तुम जाओ दरवाजा खोलो जाओ ना। अभी तक सो रही थी क्या? कल रात देर से सोए, हॉस्पिटल में थी। यहां से हिलना मत। दिव्या कॉफी रेडी है? अरे सासुमा ससुर जी, व्हाट अ सरप्राइज, आप लोग कब आए? कैसे हो बेटा? दिव्या गैराज में एकदम खुश हूँ। सासुमा आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है बेटा। मेहमानों से अच्छी बीमारी है, दो दिन रहकर चली जाती है। हमें चेकअप कराना था इसलिए आए थे, परसों चले जाएंगे। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जस्ट जोकिंग, आप ही की बेटी का घर है। एक्सक्यूज मी। हाँ हम पहुंच गए। माँ आपके लिए कॉफी बनाऊं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अरे सासुमा बैठिए ना। हाँ पहली बार घर आई है और अब सीधा किचन में जाएंगी। ये बताइए घर में सब कैसे हैं? सीरियल वगैरह देखती है कि नहीं? मैं सीरियल्स नहीं देखती बेटा। ओह गॉड, आजकल एक कमाल की सीरियल आ रही है झूठी शादी के नाम से, शायद आपने देखी नहीं होगी। मैं और मेरी मॉम तो उसे मिस ही नहीं करते हैं। अरे दिव्या तुम बताओ ना, बता नहीं ओके। बेटा दिव्या मुझे नहाना है। दिव्या ससुर जी मेरे रूम में नहा लेंगे, सासुमा को अपने रूम में ले जाओ। आप सोचेंगे दो रूम्स क्यों हैं? लड़कियों को जितनी भी रूम्स दो कम ही पड़ती हैं। इसने साड़ी और कपड़ों से एक रूम पूरा भर दिया है। पापा आप आइए। सासुमा आप कहाँ जा रही हैं? उन्हें डायबिटीज है ना, तो नाश्ता करके 9 बजे टैबलेट्स लेनी है, उनके आने तक मैं नाश्ता बना लेती। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? यहीं पर एक बढ़िया होटल है, वहाँ से खाना मंगाएंगे, बहुत अच्छा होता है। नहीं उन्हें बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। दिव्या स्टोर रूम कहाँ है? सॉरी सासुमा, माँ की याद आ गई। शादी को 4 महीने हो गए, अब तक नहीं आए हैं वो लोग। सिर्फ कार्तिक ही उनका बेटा है, वही उनका सब कुछ है, मैं उनका कोई नहीं हूँ। 4 महीने से ये दुख सीने में दबा कर रखा था, आज आपको देख लिया ना बाहर निकल रहा है। एक्चुअली मैं ऊपर से बहुत नॉर्मल लगता हूँ लेकिन अंदर से इमोशनल हूँ, है ना दिव्या? माय फुट। माँ इसकी बकबक बंद नहीं होगी, तुम चलो नहा लो, डैडी के लिए खाना मैं बना दूंगी। ऐसी बात नहीं बेटा, दामाद जी। हाँ पता है पता है, तुम चलो मेरे साथ। अरे वाह क्या मैनेजमेंट किया, तू MBA कॉलेज क्यों नहीं खोलता यार? मैनेजमेंट सिखाना, क्या टैलेंट है, यू आर अ वेरी स्मार्ट गाय। ड्रामा बंद करो, उनके बाहर आने से पहले वैद्य ही को बाहर करो। अरे इस हालत में कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हारे नालायक दोस्त उन्हें कॉल करो। नालायक दोस्त तो अभय। ससुर जी के दोस्त हैं सिंह अंकल, ये उनका बेटा है कैंडी, बगल वाले फ्लैट में रहते हैं। आपके घर में भी चिकन है क्या? बेटा बहुत सारे। कौन सी चिकन का आटा खाती है? अंकल आप हिंदी है कि पंजाबी? हिंदी हो। अरे बाप रे। आपके घर में कितने बेडरूम्स हैं? क्या आप और आंटी भी अपने घर में दो दो बेडरूम्स में सोते हैं जैसे कि? अरे तू आ गया क्या, रोज इसी टाइम पे घर आ जाता है सुसु करने, आजकल के बच्चों का स्टाइल ही कुछ और है। तू आ जा चल, ये बैड मैनर्स है, दूसरों के घर पे सुसु नहीं करते। अब चल निकल। चला गया वो। बालकनी में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा ये टेलीस्कोप तुम्हारा है क्या? हाँ ससुर जी मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है। आप ट्राई कीजिए ना, मजा आएगा। कुछ दिख नहीं रहा है। उस तरफ देखिए। दिव्या टिफिन रेडी हुआ क्या? आ,
ससुर जी उस तरफ घुमाइए ना, बड़ा मंदिर दिखेगा। किस तरफ बेटा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राइट की तरफ, राइट की तरफ। हाँ और राइट, हाँ करेक्ट, 22 डिग्री। उधर ही देखिए, यहाँ मत देखिए, वही देखिए, शायद दरवाजे पे कोई है। 5 मिनट में सूरज निकलेगा, फिर मंदिर नहीं दिखेगा। आप वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। शौर्या, शौर्या, क्या बात, इतना अर्जेंट बुलाया तूने मुझे? अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी आ। देख क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे यार, ये इस घर में आज मरवा के रहेगी। अब तू एक काम कर, दिव्या बचा ले। दिव्या, मंदिर शायद इस तरफ नहीं है बेटा। देखो वैदू, ये मेरा दोस्त अब है, ये तुम्हें घर ड्रॉप करेगा। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वो दरवाजा खोलना था। ले जा इसको जल्दी। ससुर जी, सासू माँ, अभय, अभय, ससुर जी, सासू माँ, दिव्या, वैदई, वैदई, दिव्या, इंट्रो हो गया। ओके ओके, चलता हूँ, बाय। ओके, अरे यू बात में मिलने के साथ मेरा मिलना। ओके, लव यू यार, बाय। बेटा उन्हें क्यों वापस भेज दिया? अरे सासू माँ, आप नहीं जानती, वो बिल्कुल फेविकॉल की तरह है, आते ही चिपक जाते हैं, इसीलिए मैंने भगा दिया। आज का दिन सिर्फ आप दोनों के लिए है ना दिव्या? शौर्या, डैडी, डिनर रेडी। ससुर जी, हाँ आप रुकिए, अभी क्या बोला तुमने? मैंने क्या बोला? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जब भी बुलाओगी तो आना पड़ेगा, जब भी कहोगी बैठो तो बैठना पड़ेगा। अब क्या हुआ? क्या ससुर जी, क्या ये लेडीज डोमिनेशन, बिगाड़ के रखा आपने इसे। रोज खुद खाना बनाओगी और खुद परोसोगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे? जवाब दो, हमारी भी अपनी इच्छा होती है, हमारा भी अपना एक टेस्ट होता है, बताइए ना ससुर जी। अब मैं क्या बोलूं? अरे आप इनसे मत डरिए ससुर जी, मैं हूं ना, आप खुल के बोलिए, बिल्कुल मत डरिए। देखिए मैं आप जैसा अच्छा नहीं हूं, जो ये जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगा। आज से इस घर के रूल्स चेंज, दोनों साथ मिलकर खाना बनाएंगे, साथ में बैठ कर खाएंगे। आइए ससुर जी, सासुमा आप बैठिए ना, बैठो दिव्या, बैठो। ससुर जी चम्मच उठाइए, बिना डरे खाना परोसिए, सासुमा को दीजिए ना। हाँ। वो मना करेंगी लेकिन आप रुकिए मत। बस बेटा, आप पढ़ लो ना। शादी के 25 साल में आज उनको इतना हंसते हुए देख रही हूँ। तेरा जीवन साथी जैसा मैं चाहती थी, तुझे भगवान ने उससे 100 गुना बेहतर दिया।